हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों के बाद सभी पार्टियां अब रणनीति में जुड़ गई हैं। जहां एक और मैनिफेस्टो को लेकर बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं टिकट के दावेदारों को लेकर मंथन चल रहा है। वहीं नवरात्र के पहले दिन बीजेपी 50 और कांग्रेस अपनी 40 उम्मीदवारों की पहली सूची को जारी कर सकती है। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का टिकटों को लेकर बयान सामने आया है। उनका कहना है कि 2 से 3 दिन में टिकट फाइनल हो जाएंगे, फिर केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड को नाम भेजे जाएंगे। मुमकिन हो सकता है कि नवरात्रों में टिकटों का ऐलान कर दिया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी में काफी ज्यादा दावेदार आ रहे हैं और ये अच्छी बात है। दिल्ली में रविवार को 2 घंटे चली मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग में सदस्यों ने अनेक सुझाव दिए। इस दौरान मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरपर्सन किरण चौधरी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उस घोषणा को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर 4 अलग-अलग वर्गों के डिप्टी सीएम बनाए जाने को कहा था। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर के 75 पार नारे पर दिए गए बयान पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरलाल गुर्जर ने पलटवार कर कहा कि कांग्रेस ने अशोक तंवर को तो पहले ही बाहर निकाल दिया, अब 85 पार क्या, कोई 5 सीटें भी पार कर ले तो ये कांग्रेस की बड़ी उपलब्धि होगी, इसमें ही इन लोगों को खुश हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया एडवाइजर अमित आर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूर भी कर लिया। बता दें कि पत्रकारों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं बनाने में अमित आर्य का अहम योगदान रहा है। संगठन के लिए अमित आर्य काम करते रहेंगे। कॉलेज में सुविधाएं ना होने का आरोप लगाकर लंबे समय से प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल वर्ल्ड कॉलेज के छात्र छात्राओं को बीती रात कॉलेज के बाहर सड़कों पर बितानी पड़ी। पुलिस प्रशासन और अन्य अधिकारियों ने भी इनकी नहीं सुनी। मामले में विधायक गीता भुक्कल ने संज्ञान लिया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से बातचीत के बाद आश्वासन मिला है। पंचकुला सेक्टर 6 के जनरल अस्पताल में चल रहे MRI एंड सिटी स्कैन सेंटर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। टेक्नीशियन ने 61 साल के बुजुर्ग को MRI मशीन में डालकर भूल गए, जिसे किसी ने बाहर नहीं निकाला। इस बीच मरीज ने काफी मशक्कत के बाद खुद को बाहर निकाला। पीड़ित ने कर्मचारियों की गंभीर लापरवाही की शिकायत हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से की, साथ ही थाने में मामला दर्ज भी कराया है। HSSC की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। भिवानी की ओर जाने वाले ट्रेन में डिब्बे कम होने के चलते परीक्षार्थियों को बैठने की जगह नहीं मिली, जिससे उन्हें ट्रेन के इंजन पर बैठकर जाना पड़ा। इसी से नाराज परीक्षार्थियों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक को खाली करवाया। परीक्षार्थियों का आरोप है कि पुलिस ने उनसे अभद्र व्यवहार किया और लाठीचार्ज भी किया। रादौर के SK हाईवे मार्ग पर बीती रात गांव कांजून के पास एक डंपर का टायर फटने से एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम परमजीत है, जो कि सोनीपत जिले के खरकौदा के गांव सिलाना का बताया जा रहा है। हादसा उस वक्त हुआ जब चालक टायर को पंचर लगवाने के बाद गाड़ी में फिट करने के लिए ले जा रहा था कि तभी अचानक टायर फट गया और डंपर चालक की मौत हो गई। भारतीय सेना से रिटायर हुए पूर्व फौजी ने अपनी पत्नी की डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी और बाद में खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गया। जानकारी के मुताबिक किसी बात को लेकर पत्नी से कहासुनी हुई, जिसके बाद पत्नी की हत्या कर दी गई। 17 साल पहले जमीनी विवाद के चलते अपनी नाबालिग भतीजी को गोली से उसने मारा था, जिसमें उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल वो पैरोल पर बाहर आया था।